देख रहे हैं जेबी टीवी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी को पूजा जाता है देवता वही निवास करते हैं। और ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी भी इसी तर्ज पर अपना काम करता है, जो कि सबसे ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट पर अपना जोर डालता है। वैसे तो इस कैंपस में सारे फेस्टिवल्स बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन नव दुर्गा का जो फेस्टिवल है वो सबसे ज्यादा जोर शोर से मनाया जाता है। कैंपस में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी कोरोना के मेजर्स को ध्यान में रखते हुए इस सेलिब्रेशन को अच्छे से निभा रहे हैं। अब वो कौन से मेजर्स हैं जो कोरोना के दौरान बच्चे ध्यान में रख रहे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, मैं हूं शिवांगी सक्सेना, एक्स ज्योति संघ रिप्रेजेंटेटिव। नमस्ते, मैं हूं आकांक्षा जयंत हेगड़ा, प्रेजेंट सेक्रेटरी ऑफ ज्योति संघ। ज्योति संघ ज्योतिषन एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है हमारे मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स के बीच में। ज्योतिषन है स्टूडेंट पावर। ज्योतिषन में 5 पोस्ट होती हैं। ज्योतिषन रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी ज्योतिषन रिप्रेजेंटेटिव, वाइस ज्योतिषन रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी वाइस ज्योतिषन रिप्रेजेंटेटिव एंड सेक्रेटरी ज्योतिषन। इसमें से 2 पोस्ट जो होती है वो हमारे फ्रेशर्स के लिए होती है, जो कि सेक्रेटरी ज्योतिषन और नॉमिनी वाइस ज्योतिषन रिप्रेजेंटेटिव। ज्योतिषन अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाता है। जैसे अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो हमारे चांसलर मैम जो है उन्होंने हमें ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं कि जो भी बच्चे फास्ट करते हैं या फिर जो भी बच्चे फास्ट कर रहे हैं वो अपने फूडिंग का जो है सीसी पे बता सकते हैं कि हमें आज फास्ट के लिए ये वाला फूड चाहिए, ये फूड चाहिए या ये फैसिलिटी चाहिए, तो मैम वो चीज प्रोवाइड करवाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम नवरात्रि करते हैं वैसे ही हम ईद भी सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ पे मल्टी डाइवर्स कल्चर है। हमारे ज्योति विद्यापीठ के कैंपस में हमें बहुत सारे रिचुअल्स और कल्चर सीखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इंडिया के हर कॉर्नर से, मणिपुर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, यूपी, उत्तराखंड, हर कॉर्नर से यहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती है। यहाँ पे हर फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है तो यहाँ पे गरबा नाइट होती है, तो गरबा नाइट में जो गुजराती बच्चे हैं, जो दीदी है, तो वो लोग आते हैं, वो गरबा खेलते हैं। हम जो फ्रेशर्स है या फिर बाकी जो बच्चे हैं उनको गरबा सिखाते हैं। हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं पूरे 9 दिन, और दशहरे वाले दिन जागरण होता है। ये सारे रिचुअल्स हमें यहाँ फॉलो करने के लिए मिलते हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग सारे कल्चर्स जी रहे हैं, सारे रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं और एक नेशनल इंटीग्रिटी वाली लाइफ जी रहे हैं ज्योति विद्यापीठ के कैंपस में। नमस्ते, मेरा नाम शिवांगी सक्सेना है, मैं एक्स ज्योति संघ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, सेशन 2018-19। मेरा कोर्स है BHMS, फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं। जैसे कि कोरोना काल में हमारे यहाँ पे फिर भी सभी जो फंक्शंस हैं बहुत ही अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा सकें। इसलिए जब आरती होती है तो हम राउंड सर्कल में खड़े होते हैं ताकि जितना गैप हमें मिल सके हम दूर दूर खड़े हो सकें। ऐसे ही जब गरबे होते हैं तो हम कहते हैं कि 5-5 ही ग्रुप में गरबे हों ताकि बच्चे दूर दूर खड़े हो सकें। गरबे के टाइम पे भी मास्क लगाना कंपलसरी कर रखा है हमने, क्यों? ताकि मास्क लगा रहेगा तो इन्फेक्शन का डर कम रहेगा। ऐसे ही हमारे ओपन ऑडी जो है वो बहुत बड़ा है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं कि आप 5-5 के ग्रुप में गरबे करें और दूर दूर गरबे करें ताकि जो कोरोना काल में जितनी भी गाइडलाइंस है वो हम फॉलो कर सकें।
श्रीमती चौधरी पर्सिंग DNYS फर्स्ट ईयर। हमारे इस टाइम नवरात्रि का जो टाइम चल रहा है तो हम लोग घर से बहुत दूर हैं, लेकिन हमें लगता नहीं कि हम घर से बहुत दूर हैं। यहाँ का माहौल इतना अच्छा है, हमें हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम हमारे घर पे ही हैं और सबके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, टीचर, सीनियर सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, साथ में एंजॉय करते हैं। और जैसे कि सबको पता है कि कोरोना का टाइम है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है, जो कॉर्नर्स सोचा जाता है कि जिस चीज़ को सैनिटाइज करने की ज़रूरत होती है उसे सैनिटाइज किया जाता है डेली बेसिस पे, हर जगह की सफाई होती है, मास्क लगाया जाता है और हर जगह टैप्स बनाए हैं हैंड वॉश के लिए, वहाँ पे हैंड वॉश, पेपर सोप वगैरह अवेलेबल हैं। हर चीज़ की हमें यहाँ पे जो चीज़ होता है कि ज़रूरत होती है वो हमें अवेलेबल की जा रही है। तो और यहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर कोई आता है तो हर किसी का मन लग जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें हमारे घर की याद आती है या हमें अच्छा नहीं लगता। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है एकदम। हम लोग बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ का भी यहाँ बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अभी नवरात्र के टाइम है तो आरती की जाती है, DJ नाइट होती है जिससे कि बच्चों का भी मन लगे और एक बहुत ही अच्छा माहौल है। और यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है। नमस्ते, मायसेल्फ आकांक्षा जैन तहिर राव, पर्स्यूइंग DNYS फर्स्ट ईयर। हमारे लिए यहाँ पे बाहर आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों हॉस्पिटल है, जहाँ पे 24/7 डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं जो हमारा ख्याल भी रखते हैं। अंदर हमारे यहाँ पे आरोग्यशाला है जहाँ से हमें कोई फर्स्ट एड मिल जाता है जब हम ज़्यादा बीमार होते हैं, और एम्बुलेंस भी मंगवाई जाती है अगर हॉस्पिटल में ले जाना होता है तो। उसके बाद हमारी डेली स्क्रीनिंग होती है, हमारा पल्स ली जाती है और सबका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है। अगर कोई भी परेशानी होती है तो हमें तुरंत मेडिसिन दी जाती है, इलाज किया जाता है। ये हॉस्टल के अंदर और हॉस्टल से बाहर दोनों जगह पे फैसिलिटीज प्रेजेंट है। तो देखा आपने कैसे ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के कैंपस में कोरोना टाइम में भी स्टूडेंट्स माता में अपना विश्वास कायम रखते हुए पूजा अर्चना का काम भी कर रहे हैं, साथ ही रात को गरबा और डांडिया का फेस्टिवल भी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें जरूर मेल करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।